भोला। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम लोगों को संदेश भेजने के ऊपर एक नई पाठ पढ़ाने वाला हूँ। हदा जी सर, मैं क्लास ले रहा हूँ और तुम? अरे सर, मैं बोधा को संदेशा भेज रहा था सर। क्लास के बाहर खड़े होकर जितना संदेशा भेजना है भेजो, निकल। ठीक है सर, जाता हूँ। वाह, सर ने यह संदेशा भेजने के ऊपर जो पाठ पढ़ाई है ना, मजा आ गया भोदा भैया। अभी अभी मेरे दिमाग में कमाल का आइडिया आया है बच्चा। कैसा आइडिया भोदा भैया? संदेशा भेजने के ऊपर सर ने आज हमें जो जो नुस्खा सिखाया है उनमें से एक नुस्खा हम ट्राई करते हैं। अरे ये तो बहुत ढांसू आइडिया है। शौक देखो, तुम्हारा ये ढांसू आइडिया मैं हवा में उड़ा दूंगा। देख बच्चा, हम दोनों ने प्लास्टिक के तार से कितना अच्छा टेलीफोन बनाया है, तुझे कैसे लगा जरा बता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भोदा भैया, आप तो कमाल के हैं। अरे मेरे भाई, पहले से ही मेरी इतनी तारीफ मत कर। अरे पहले देखने तो दे ये अच्छी तरह से काम करता है कि नहीं। बेवकूफ, मैं इस चैप्टर के बारे में कुछ नहीं जान पाया और ये लोग एक दिन में सब सीख जाएंगे। तुम्हारे इस ढांसू आईडिया का आज ही मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ। मेरी आवाज तुझे सुनाई दे रही है बोचा? हाँ मुझे सुनाई दे रही है। ये क्या हदा, तू अचानक यहाँ क्या करने आया है? जहाँ दिख जाए भोदा उसी के आसपास में होता है हादा। ए, ए हादा, ये क्या कर रहा है? छोड़, मैं कह रहा हूँ। सर ने आज तुझे क्लास से निकाल दिया फिर भी तुझे अकल नहीं आई। मैं कह रहा हूँ तार छोड़। ये छोड़ूंगा जरूर छोड़ूंगा। तेरा संदेशा तो इधर उधर उड़ रहा है रे भोदा। क्या हुआ रे बुच्चा, अचानक तूने मुझे आईना लाने के लिए कहा? भोदा भैया, आईने से संदेशा भेजने का नुस्खा तुम भूल गए? ओ, अब समझा मैं, इसलिए तूने आईना लाने के लिए कहा था। वाह, तेरा दिमाग तो बहुत तेज है रे। लेकिन फिर से वो हादा ने आकर चौपट कर दिया तो? उसकी चिंता मत कीजिए आप, मैंने चारों तरफ अच्छी तरह देख लिया है, हादा भैया कहीं नहीं दिख रहे हैं। ओ, तब तो सब कुछ ठीक है। तो फिर शुरू करते। ये ले, मैंने तुझे मेरे यहाँ से संदेशा भेज दिया। ये संदेशा मैंने अपनी तरफ से भेजा। अरे बाप रे, मेरी आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा हो गया। कौन उधर से आईना चमका रहा है हलकट कहीं के? ए भोंदा, अरे उल्लू के पट्टे। अच्छा तो ये सारी बदमाशी तेरी थी? नहीं तो चाचा जी, मेरा मतलब मैं तो यहाँ पर तुम्हारी वजह से मेरे बगीचे का काम चौपट हो गया। अरे बाप रे, चाचा जी तो गुस्से से लाल हो गए हैं, अब मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। बोचा, शाम को मैदान में मिलते हैं। अगर तेरे पापा ने मुझे अभी पकड़ लिया तो मेरी तो, मैं भागता हूँ यहाँ से कट ले। तू कुछ समझा बोचा? मुझे लगता है इस फ्लैग के साथ सेमोफियर भेजने का तरीका जो सर ने हमें सिखाया था वही तरीका सेफ रहेगा। आपने ठीक कहा है भोदा भैया, बिल्कुल भी सेफ नहीं रहेगा भोदा। तेरा ये आइडिया भी मैं अभी चौपट करता हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ भोदा, इस फ्लैग को मैं रखता हूँ। ये ले बोचा, ये संदेश मेरी तरफ से तेरे लिए। बापरे बापरे, अरे कौन मर रे, अरे बापरे मर गया रे। अरे बापरे, इस झाड़ी के पीछे कौन है? उल्लू के पट्टे मेरे ऊपर फ्लैग फेंका जा रहा है। अरे मैं नहीं, ये हादा भैया ने फेंका है। हादा रुक जा, तुझे मजा चखाता हूँ। अरे बापरे, मुझे छोड़ दीजिए। हादा, मुझे लगता है इस बार ये संदेशा तेरे पास बिल्कुल सही तरीके से पहुंचा है। ही, 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 ही।